लाइट चले जाती है तो फिर मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर क्या करूँ क्या करूँ हो जाती है, इसीलिए मैंने सोचा तो चलो ब्लॉग बनाते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं तारा आप सभी का स्वागत करती हूँ कपकोट से, अपनी बुटीक से। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के समय में। तो आज है हमारा त्यौहार और मैं भी सुबह सुबह टिक्का चंदन करके आ गई थी दुकान में, और सुबह बनाया था, त्यौहार था, पकवान थे हमारे, पूरी खीर जो भी पकवान होते हैं। तो आज का स्पेशल पकवान मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी वो, तो ये आज का घी त्यार स्पेशल पकवान है दोस्तों, पकौड़े सेवैया पुए चटनी घी, ये है घी संक्रांत स्पेशल त्यौहार, आप भी खा लीजिए घी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आज की स्पेशल वीडियो। अभी तक तो मैं कटिंग कर रही थी, मैंने दो फ्रॉक कट किए, ये अलग अलग तरीके के, सिंपल जो नॉर्मल कपड़े होते हैं उनसे हैं, फिर जो साड़ियों वाले हैं वो, अभी रक्षाबंधन नज़दीक है तो फिर वो भी देने हैं, बच्चों के शॉर्ट कुर्ते भी सिलने हैं। तो अभी मैं एक पार्सल आपको दिखा रही थी, जो ये इस तरह के ये स्टिकर है ना, ये मैंने बनवाए नहीं हैं, चिपकाए हैं, जो नए लोग हैं उनको मैं बता रही हूँ, जो पुराने हैं उन्होंने तो देख रखा है किस तरह से चिपकाए किस तरह से मंगाए। तो एक पार्सल मैंने आज ये मंगाया है, ये आप देख सकते हो, ये मंगाया है मैंने फ्लिपकार्ट से, इसके अंदर बस यही आता है और ये खाली गत्ता आता है सेफ्टी के लिए। तो ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी अपने, यहाँ पे थोड़ा सा खाली लग रहा है तो, ताकि मैं इसको देख के थोड़ा मोटिवेट हो सकूं। जो हमारे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें मोटिवेट होना ज़रूरी है। तो इसको मैं यहाँ पे देखते रहूँगी और फिर लगाते रहूँगी। तो इसके बाद मैं आपको दूसरा पार्सल फिर से दिखा रही हूँ, तो इसे तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो आप इसे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वगैरह से मंगा सकते हो, ये अमेज़ॉन का है, बाकी ये फ्लिपकार्ट से है, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट पार्सल दिखाती हूँ, ठीक। तो इस वाले पार्सल की मैं बात कर रही थी, और ये कपड़े पिछले दिनों सिल रखे हैं मैंने, कुछ फॉल वगैरह लगाने तो यहीं पर हैं। तो ये पार्सल है लेस वगैरह, लेस है इसमें, सौभाग्यवती लेस वगैरह, जो पिछोड़े में हमारे जो पहाड़ साइड उत्तराखंड है वहाँ पे पिछोड़ी चलती है और उसे शादी ब्याह पूजा पाठ वगैरह में पहनते हैं, तो उसमें जो लेस हैं आजकल सौभाग्यवती वाले लेस बहुत चले हैं। तो इन लेसों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो इसीलिए मैंने फिर से मंगाए। तो आप फिर कमेंट करोगे कि कहाँ से मंगाते हो, आप हमेशा पूछते हो कि कहाँ से मंगाते हो, कपड़े कहाँ से मंगाते हो। तो ये होता है ना, जैसे हम पहले गए थे दिल्ली, पिछले साल गए थे, तो वहाँ एक या एक दो दुकानदार से अपना अच्छे से अपना व्यवहार बना के उसके साथ, मतलब थोड़ा अपनापन टाइप का हो कि हाँ लगे ये सही है ये दुकानदार, नहीं तो फ्रॉड भी बहुत सारा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं मंगाती हूँ लेस वगैरह लटकन चांदनी चौक से भी मंगाती हूँ, बाकी जो सिलाई के फॉल अस्तर होते हैं वो दूसरी जगह से मंगाती हूँ। तो देखो मैं तो अपना खुद उसके आदमी उस दुकान पे गई हूँ, उनको देखा है, उनका सामान देखा है, उनका काम देखा है, फिर उनका नंबर लेके फिर मैं घर से ही फ़ोन करके फिर मंगाती हूँ, मेरे को जो जो चीज़ चाहिए और व्हाट्सअप में भेजती हूँ डिज़ाइन, फिर वो वहाँ से वीडियो कॉल करके फिर भेजते हैं। और ये भी नहीं होता कि वो एक पीस दो पीस, ऐसा नहीं कि चार चार पाँच पाँच हज़ार का एक ही साथ मंगाना पड़ता है। तो ये अभी मेरा टोटल 5,000 का पार्सल है, तो इसीलिए इतना इतना सामान मंगाना है, पहले ही इसलिए बता रही हूँ। जब आपको कपड़ा मंगाना है तो आपको खाली 4 मीटर 5 मीटर नहीं मिलेगा, आपको 5, 10, 15 मीटर नहीं, जैसे कपड़ा मंगाना है लेस तो क्या है, ये 6-6 पीस 4-4 पीस ऐसे मंगाओगे। अगर आपको कपड़ा मंगाना है, जैसे कुछ आपको इस तरह का कपड़ा चाहिए, तो उस कपड़े को आपको पूरा 20 मीटर मंगाना पड़ेगा, पूरा मतलब या तो थान आता है वो, या वो आता है, आपको फिक्स अपने हिसाब से 4 मीटर 5 मीटर ऐसा नहीं मिलेगा किसी भी शॉप से, मतलब होलसेल दुकान से। तो फिर ये होता है कपड़े का। तो कपड़ा वगैरह जो मंगाती हूँ मैं सूरत से मंगाती हूँ, और ये लेस वगैरह चांदनी चौक और उधर से मंगाती हूँ। तो आप कमेंट करोगे कि कहाँ से मंगाते हो, क्या मंगाते हो, आप नंबर दे दो उनका। तो मैं नंबर नहीं दे सकती, क्यों, क्योंकि फिर इस पे बात मेरे ऊपर आ जाती है। देखो अभी मैं जहाँ से मैं मंगाती हूँ वहाँ का नंबर दूंगी, आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ, कुरियर वाले ने पार्सल वाले ने वहाँ से आपका खो दिया, तो फिर वो किस पे जाएगी। आप अच्छे से मतलब खुद जाके अपना दुकानदार के साथ कॉन्टैक्ट बनाओ, उसका दुकान देखो, तब जाके आप घर बैठे फिर मंगा सकते हो। जैसे अब देखो मैंने चांदनी चौक किसी दुकानदार को मैं नहीं जानती, तो मैंने घर से ही फ़ोन कर दिया ये, तो उस दुकानदार का अब है नहीं है वो दुकान वाला, तो ऐसा नहीं होता है। खुद आप वहाँ पे जाओगे फिर पता करोगे कि हाँ इसकी दुकान है प्रॉपर है, तो फिर आप वहाँ से मंगाओगे। तो चांदनी चौक
किदारी बाजार जहाँ हम गए थे ना, वहाँ एक गढ़वाल के भाई भी वहाँ काम करते हैं, जैसे ये लैस वगैरह आते हैं ना फैक्ट्री से, तो इनको बंडल बनाने का, उनको सजा के रखने का वो काम वहाँ पे करते हैं। तो फिर उनके साथ हमारी पहचान बनी, तो इसीलिए फिर मैं ऐसे करके अपना सामान मंगाती हूँ, कई जगह से मंगाती हूँ, ये नहीं कि एक ही दुकान से, कुछ सामान कहीं दूसरे 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 अलग 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 जगह से। तो इस वजह से मैं आपको नंबर नहीं शेयर कर सकती, आप जब खुद जाओगे अपना, आप को ठीक लगेगा तभी आप खरीदोगे, मेरे कहने पर, मेरे से मेरे नंबर देने पे ये नहीं हो सकता। तो आपको मैं ये लेस वगैरह दिखाती हूँ, मैंने बहुत ही ज़्यादा बोल दिया है, तो अभी आपको मैं सीधे ही आप दिखाते हैं अपना पार्सल, जितने पीस मैंने मंगाए थे उतने आए हैं नहीं आए हैं, जब आपके कम आते हैं ज़्यादा आते हैं, ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कई लोगों ने मेरे को हरे वाले मांगे थे तो हरे भी मंगाए, पतले वाले मांगे थे तो वो भी मंगाए। तो जो भी वीडियो देख रहा है, जिन जिन ने भी ऑर्डर किया था, आप लोग आ सकते हैं, ले जा सकते हो, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर कुछ इस तरह के हैं ये, अलग अलग तरीके के। अभी फिर इनका रेट मुझे देखना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। तो मैंने तीन 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 तीन, तीन पीस ऐसे करके मंगाए हैं, तीन वैसे ये इसके किनारे पे लगता है, इसी के साथ मैचिंग होके ये किरण लेस इस पे लगता है, तो ये भी मंगाए मैंने। इस बार मैंने कई प्रकार के मंगाए हैं, सस्ते महंगे अलग अलग तरीके के, क्योंकि सब महंगे महंगे भी नहीं हो सकते ना। तो फिर ये सारा है देखो, कोई जो चौड़ा सा है वो अलग रेट का है, जो पतला सा है वो अलग रेट का है। तो ये सारे सौभाग्यवती वाले लेस से आ चुकी हैं, आप ले जा सकते हो या अपना पिछौड़ा ला के यहाँ से लगवा सकते हो। तो बस ये है आज का पार्सल, और ये थी आज की जानकारी मेरी बुटीक से जुड़ी हुई। तो इस तरह के आप अपने पिछौड़े में लगा सकते हो, और आके इन बंडलों को ऐसे पूरा पूरा ले जाके आप कहीं दूसरी जगह से भी सिलवा सकते हो। तो अभी इस बार मैंने सारे ही मंगा दिए हैं, हरे और मैरून और लाल, पतले वाले भी मांगे थे किसी ने, तो पतले वाले भी आ गए हैं। अभी देखो किसी किसी के तीन 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 पीस ऐसे मंगा रखे हैं मैंने, जैसे तीन तीन, ये वाले थोड़े ज़्यादा मंगाएंगे, थोड़ा सस्ते होंगे तो, और बाकी ये इस तरह के ये कम कम ही मंगा रखे हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर जो है कम ही मिलता है, कम मिलता है, लेकिन जब आएगा तो कोई भरोसा नहीं कि कितनी जल्दी बिक जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी ये आपको अच्छी लगी होगी, जो मैंने बताया आप सभी समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से ख़रीदना है और क्या करना है। देखो मैंने इतना इकट्ठा मंगवाया तब जाके ये पार्सल आया, और इस बार मैंने यही यही मंगाया क्योंकि मेरे पास दूसरे लेस पड़े हुए थे। अभी थोड़ा और शादियों का सीज़न आएगा तो फिर ख़त्म होंगी, ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर ये वाले नहीं मंगा के फिर दूसरे तरीके से वो वाले मंगाऊंगी मैं, दूसरे जो अलग डिज़ाइन के होते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मैं इसके बाद अपना काम करूँगी सिलाई उलाई का, लाइट भी आ गई है, तो वो आगे को आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और नई नई चीज़ें आपको बुटीक से जुड़ी हुई ये मिलते रहेंगे, और मिलते हैं जल्द ही अगली नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बस और क्या कह सकती हूँ, मेरे से कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले नई किसी अच्छे से जानकारी के साथ, बुटीक से जुड़े, कपड़ों से जुड़े, किसी भी चीज़ से जुड़े हुई हो सकती है, क्योंकि काम यही है, तो मैं बताते रहूँगी जब भी टाइम होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।